नमस्ते, गुड मॉर्निंग रेसिंग फैंस, आपका मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। पूना के रेस के लिए अगस्त 20 तारीख 2023 की साल का पूना रेस कोर्स भाइयों बड़ा फेवरेट के लिए बड़ा कब्रस्तान है। फेवरेट 3-4 बार सोच के खेलिए करो, दिन के 2 के 3 फेवरेट जीते तो बहुत हो गया, बाकी के फेवरेट धूली खाते हैं। उसकी लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। थोड़ा रेस ट्रैक का पिछला वाला बैंड आगे का पार्ट भी नीचे, उसके नीचे कब्रस्तान, वो जगह पे कब्रस्तान में उधर उदयबाग में रहता था, मुझे काफ़ी मालूम है पूना का रेस ट्रैक का पूरा नक्शा। उधर गेट के तीसरी गेट पे कोई आदमी टिकता भी नहीं नौकरी के लिए, भूत आते दिस दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग। एनीवे रेस में आते हैं भैया, थोड़ी रेस काफ़ी ठीक है। 2 रेस क्लास 5 बी की है, एक बच्चे की रेस है। ये 3 रेस आप छोड़ दोगे तो आप कमा, सब रेस तो खेल ही नहीं सकते भाइयों, नहीं तो शाम तक आपके पैसे चले जाएंगे। पहली रेस है नियोना प्लेट क्लास 2 की है, 4 घोड़े हैं लेकिन उसमें 3 घोड़े के चांस भी बनते हैं। सूप एंड सैंडविच 2 नंबर का घोड़ा है, काफ़ी लाइट वेट घोड़ा है, 405 किलो का, अल्ताफ जी का, अक्षय कुमार चला रहा है। पूना के रेस ट्रैक पे रन नहीं है, वो डिसएडवांटेज है। और 4 साल की है, वो प्लस पॉइंट है। मुझे उसमें एक घोड़ा पसंद है, 3 नंबर सेलिनी ड्राइवर चला रहा है, और ये घोड़ा ड्राई कोटेड है। आप कोट जरूर देखियो, अगर आप रेस देखते हो तो चमक दमक वाला चाहिए, शाइनी चाहिए, सूखा कोट वाले घोड़े नहीं जीते। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। सेलिनी ऐसा घोड़ा है कि पूना रेस ट्रैक में हर साल जीतता है, एक नहीं तो 2 रेस। तो अंग्रेजी में कहावत है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो इसलिए मुझे पसंद है सेलिनी। इसमें अरकाना का भी चांस बनता है लेकिन वो घोड़ी फट जाती है चालू रेस में इधर उधर। नरेंद्र लगाड़ जी बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम फिक्स किया हुआ है, तो देखेंगे। तो थोड़ा चांस मैं, अगर सेलिनी फिट लगा पैडक में तो मैं लूँगा, नहीं तो जैसे आपको मालूम होगा ये मेरी टिप्स नहीं है, मेरी टिप्स पैडक के बाद होती है। मैं पेपर हैंडीकैपिंग नहीं करता, मैं फिजिकलिटी हैंडीकैपिंग कहते हैं इसको। दूसरी रेस में आते हैं भैया, ये है क्लास 5B की रेस। मैं 5B की खेलता ही नहीं, और खेलूँ तो खाली प्लेस खेलता हूँ। उसमें नरेंद्र लगड़ के 2 घोड़े हैं, दोनों शायद बोर्ड पे आ सकते हैं। एक है प्रिंस आइगोर 8 नंबर का घोड़ा, और एक है 3 नंबर का सेलामोर। सेलामोर लास्ट टाइम जीता लेकिन 1000 मीटर में, आज 1200 मीटर जा रहा है। और घोड़े का वजन आप जो देखते हो तो देखना, नहीं तो मेरी चैनल पे लाइव आओगे तो मैं सब घोड़े के वजन बता, वो एक हफ्ते के बाद भागता है तो शायद वजन कम ही होगा। 10 किलो से ज़्यादा होता है तो मैं नहीं खोलता ये। ऐसे भी ये रेस कुछ भी हो सकता है, इसमें वोलेयर करके घोड़ा है 5 नंबर, वो प्लेस हो सकता है, लेकिन क्लास 5 भी में हाथ मत डालो तो बेटर रहेगा। स्पिरिट बे भी आ सकता है 1 नंबर। तीसरी रेस 1600 मीटर की है, पेट्रोनिया प्लेट क्लास 4 की रेस है, बच्चों की रेस है, 3 साल के, नहीं बच्चों की नहीं है, लेकिन इसमें 3 बच्चे अच्छे दिख रहे हैं। एक बिग रेड है इम्तियाज सेठ का, बेंगलोर का फॉर्म ठीक ठाक था। पेशी बाबा के 2 घोड़े हैं, 6 नंबर रश और 8 नंबर इम्प्यूनिटी। मुझे थोड़ा इम्प्यूनिटी 8 नंबर पसंद है विन प्लेस में, क्योंकि एक रन खाया हुआ है। उसकी माँ बहुत बढ़िया थी टेमेरिटी, लेकिन बाप एम्पियर, तो एम्पियर थोड़े इनकंसिस्टेंट घोड़े पैदा करता है, एक रेस जीते 2 नहीं, फिर वापस 1, फिर वापस 2।
उसमें मलेशी का घोड़ा है, वो भी बहुत बढ़िया ब्रेड ब्रीडिंग है उसकी जिस्का की, लेकिन 1600 भी शायद कम पड़े, 2000-2400 मीटर का घोड़ा है। तो मैं इसमें देख के, और ये रेस ज़रा खेलने लायक कम है, विन प्लेस प्लेस खेलोगे तो बेहतर रहेगा। ये इम्प्यूनिटी शायद भाव ना मिले, प्लेस बी ग्रेड का शायद प्लेस में भाव मिले। चौथी रेस है भाइयों मैसूर रेस क्लब ट्रॉफी क्लास 1 की रेस है। उसमें एक नंबर सुपर नेचुरल थोड़ा पसंद है, थोड़ा ओवर रेटेड घोड़ा है। एक ज़माने का फॉर्म उसका बहुत बढ़िया था, उसके बाद उसने कुछ खास इतना किया नहीं है। दो ऑपरेशन किए उसके विंड के, यहाँ से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम कहते हैं उसको, टाई फॉरवर्ड सर्जरी। लास्ट टाइम सर्जरी के बाद भागता था, तो लास्ट टाइम का रन इतना खास नहीं था, लेकिन पहली बार ये प्योर क्लास 1 में दौड़ रहा है। न तो कोई टर्म्स रेस है, न तो कोई इनविटेशन कप है, न तो कोई डर्बी है, न तो कोई ओक्स है, आई मीन बड़ी रेस है, यानी कि नॉर्मली वो इतने नीचे कभी बहुत टाइम के बाद भाग रहा है, तो उसका चांस बनता है। 2000 मीटर का ही घोड़ा है, 2400 होता तो और बेटर रहता। मज़े की बात यह है कि इसमें दूसरे जो घोड़े भाग रहे हैं वो क्लास 1 के है ही नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट आ गए क्लास 1 में दौड़ते। ये रास्पुटिन एक ही घोड़ा है जो मार सकता है, बट वो भी रिलायबल नहीं है। एक रेस अच्छी, दो रेस ख़राब, एक रेस अच्छी, दो रेस ख़राब। बाकी ट्रूली एपिक तो 8 साल का बच्चा है, इन कंटेंशन डिफ़ॉल्ट से आ गया है इसमें, तो इसलिए अगर सुपर नेचुरल फिट पैडक में दिखेगा तो मैं थोड़ा चांस लूँगा, और भाव ठीक ठाक हो तो बाकी 70-80 पैसा हो तो छोड़ देना भैया, वैल्यू फॉर द मनी होना चाहिए। नेक्स्ट रेस में आते हैं जो फीचर रेस है दिन की, एफडी वाडिया गोल्ड कप, एफडी वाडिया ट्रॉफी रादर, ग्रेड 3 की है, 3 सालों के बच्चे के लिए। उसमें एक घोड़ा काफ़ी पसंद है विन प्लेस के लिए, 5 नंबर द जनरल। ये जो 50 किलो के हैंडीकैप पे घोड़े भागते हैं ना भाइयों, तो वो दौड़ते नहीं हैं, वो उड़ते हैं, दे फ्लाई। ये मैंने काफ़ी टाइम नोटिस किया है, और टंग स्ट्रैप पहनाया जा रहा है। एक्चुअली वो रेस लास्ट टाइम जीत गया था, लेकिन ऑब्जेक्शन में हार गया स्टूवर्ड के रूम में, तो इसकी तो ज़रूर विन प्लेस बनती है। दूसरा घोड़ा जो पसंद है काफ़ी, लेकिन पुणे में रन नहीं है इसलिए थोड़ा वो लगता है, मिस्टी करके घोड़ा है, 3 नंबर होशीदार दाजी का। दोनों भी टाइम भागा, दोनों टाइम जीता है। पहली बार का रन तो बड़ा इम्प्रेसिव था फर्स्ट टाइम, और वो लोग फेवर भी कर रहे हैं, ट्रेवर भी भगा रहा है। उसमें जो एक नंबर है मुझे नहीं पसंद, वो फेवरेट है टाइम एंड टाइड अधिराज का, उसका वजन काफ़ी भारी है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को 5-6 किलो 8 किलो देना बहुत कठिन होता है, सिवा के वो बच्चा 2 क्लास सुपीरियर हो तो अलग बात बनती। तो मैं तो जनरल प्लेस और मिस्टी विन बराबर दिखे तो खेलूँगा, जनरल थोड़ा विन का चांस भी ले सकते हो, आई थिंक रात का भाव 5 का खुला है। छठी रेस वेव्स ऑफ ग्लोरी प्लेट क्लास 3 की रेस है। एक घोड़ा एक खटकता बहुत है, पिंक जास्मिन करके, सुलेमान अतोली का घोड़ा, बेंगलोर से लाया गया है। उसने एक दो रेस काफ़ी बढ़िया भागी थी अच्छे घोड़े के साथ, यहाँ भी लास्ट टाइम आगे निकल गया था फिर थोड़ा अटक गया। 1400 मीटर है, लास्ट टाइम 1600 भागा था लॉर्ड एंड मास्टर के साथ, और एन भोसले को बिठाया है, 5 किलो अलाउंस है। मैजेस्टिक वॉरियर भी थोड़ा प्लेस कर सकता है, लेकिन बहुत बार भगाता रहता है नरेंद्र लगड़। एक जो घोड़ा विन शायद मैं खेलूँ तो प्योर है, 4 नंबर का पीएस देबे चला रहा है, एमके जादव का। लास्ट ईयर उसको काफ़ी प्रॉब्लम में ऑलवेज फर्स्ट जाता था, फिर एक टाइम जीत गया है तो कॉन्फिडेंस घोड़े का बढ़ गया होगा, तो कर सकता है। और उसमें गोल्डन ग्लो 9 नंबर का इम्तियाज़ भाई का है, वो प्लेस हो सकता है। इनिश मोर नहीं पसंद 8 नंबर का, वो ड्राई कोटेड ऑलवेज भागता है। आप कोट देखना सीख जाओ तो 50% आपकी कमाल हो जाएगी।
सातवीं रेस भाइयों क्लास फाइव बी की है। मैं तो क्लास फाइव बी का दुश्मन हूँ, मैं इसमें हाथ डालना बड़ा वो कठिन है, लेकिन ये लास्ट टाइम जो जीता था अल्टमा अल्मास और ट्रेवर चला रहा है मलेश नरेडू का, और आठ नंबर जिप अलोंग नरेंद्र लगड़ का वो भी जीता था, वो दोनों की जोड़ी कुछ सेफ दिख रही है। तीसरा घोड़ा नहीं दिख रहा है, ये दोनों में रेस होनी चाहिए। तो भाइयों फेवरेट खेला तीन बार सोच के, सुपर नेचुरल अगर फिट हो तो मिस्टी और जनरल की प्लेस वो सेफ दिख रही, और लास्ट में जो अगर आपको कीड़ा हो ही खेलने का तो तीन और आठ नंबर की जोड़ी कुछ दिख रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन मंगलमय और शुभदायक रहे, और आप कुछ पैसे कमा के निकलो। अगले नेक्स्ट डे हैदराबाद है, हैदराबाद में आप फेवरेट आँख बंद करके खेल सकते हो, ऊना में ऐसा नहीं होता। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हिंदी बोलने वाले मित्रों हो घोड़े वाले तो उनको शेयर करना ज़रूर भूल के नहीं। थैंक यू, बाय बाय।